गुरुवार की रात को सिख समाज के युवक परविंदर सिंह टुटेजा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ मिलकर बर्बरतापूर्वक मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित के द्वारा रात्रि में ही पुलिस थाना कांटाफोड़ पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। पूरा घटनाक्रम बागली अनुभाग के पुलिस थाना कांटाफोड़ का है, लेकिन फरियादी पक्ष का आरोप है कि कांटाफोड़ पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से न लेते हुए मामूली जमानती धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि अपराधियों के द्वारा किस प्रकार से एक सिख युवक को डंडे, मुक्के और जूतों से बर्बरतापूर्वक पिटाई की और पगड़ी केस के साथ छेड़छाड़ भी की, साथ ही जान से मारने का प्रयास किया गया। घटना के विरोध में शनिवार को सिख समाज कांटाफोड़ सहित आसपास के सिख समाज के द्वारा अपना रोष प्रकट करते हुए माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा गया और तहसीलदार के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे पटवारी गिरवर चौहान को सौंपा है। बागली से रवि पटेला की रिपोर्ट। मामला ये है, इनका मकान संबंधी विवाद चल रहा है। इनके फादर के द्वारा पूर्व मकान खरीदा गया था, जिसमें जो है मांगीलाल पत्नी के नाम से खरीदा गया था परमजोत। वो उनका जो है कहीं खाली आली कब्जा कर लिया था, जिसमें से पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध करा था। उनको अरेस्ट करके 448 का मुकदमा कायम कर किया गया है। इसके पश्चात जो है दिनांक 25 तारीख को जो है दोपहर में 1 बजे करीब जो है ये मांगीलाल और उनकी पत्नी वहाँ जो रहती है उनके महिलाओं के साथ में कुछ अज्ञात 4 व्यक्ति जो आए थे, उन्होंने मारपीट करी, तोड़फोड़ करके गए थे। उसके भी प्रकरण पंजीबद्ध है। उसके घटना के फिर रात में हमारे पास में ये आए थे, परविंदर सिंह बोले मारपीट करी है दुकान के सामने, उसके से तत्काल इनका मेडिकल और अपराध पंजीबद्ध करके मेडिकल कराया गया। तत्काल ही आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार किया गया एवं महिलाओं के भी खिलाफ गिरफ्तारी करके किया गया था। उसके पश्चात जो है अपन ने जो है प्रतिबंधक कार्रवाई में मांगीलाल को भी तत्काल रूप से गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया गया है। क्या मामला था और क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं परविंदर सिंह टुटेजा पेशे से कृषि उपकरण व्यापारी हूँ। मैं अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके रात को लगभग 9:40 बज रहा था। उस समय जिस समय मैं अपने दुकान मंगल करके मैं अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मुझ पर अचानक हमला किया गया, मुझे गाड़ी से फेंका गया, मेरे केशों के ऊपर हाथ लगाया गया, मेरे केशों के ऊपर जूतों से लातें मारी गई और डंडों में नुकीले तार बांधकर मुझे तार के द्वारा मारा गया, जिसके निशान मेरे चेहरे पर भी हैं और मेरी शरीर पर भी हैं। कौन कौन लोग थे? नामजद रिपोर्ट की गई है। उसमें कुछ लोगों के नाम मैं नहीं जानता था। जिन लोगों के नाम से मेरी पहचान हुई है उस लोगों के नाम से मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रशासन के द्वारा मुझ पर रस्म अदायगी वाली धारा लगाई गई है उनके असामाजिक तत्वों के ऊपर। मैं थाना प्रशासन के कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। उनको एक रस्म अदायगी के लिए पुलिस थाने लाया गया और चंद घंटों में उनकी जमानत कर दी गई। भाई साहब, किस मामले में सिख समाज पूरा एकत्रित हुआ आज? मामला ऐसा है, एक सिख बच्चा है हमारा परविंदर सिंह टुटेजा, और ये सारा नगर जानता है कि वो इतना सीधा है कि वो किसी के लेने देने में नहीं होता है। कोई विवाद झगड़ा इसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको टारगेट बनाकर एकमत होकर 6-7-10 लोगों ने मिलकर उसको शाम को जब वो दुकान मंगल करके घर जा रहा था तो उसके साथ मारपीट की गई। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बुरी तरह से उसकी पगड़ी दस्तार को खींचा गया, उसके बाल को खींचा गया और उसको घसीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये सारी चीज़ें फुटेज में अवेलेबल हैं, जिसके वीडियो फुटेज नेशनल मीडिया पे वायरल हो गए। उस फुटेज को देखकर हर सिख का खून आज खोल रहा है, क्योंकि केस और पगड़ी हमारी सर्वोच्च शान है। इसके खातिर हमने कई सिखों ने अपनी जान तक दे दी है, बलिदान दे दिए। तो ऐसी घटना को पुलिस के द्वारा बहुत सामान्य मानना और बहुत छोटी सी घटना मानकर आरोपियों को तुरंत छोड़ देना, ये बहुत शर्मनाक है। और इसके खिलाफ इंदौर में भी जुलूस निकल रहा है और सारे देश में, सारे प्रदेश में जाएगी ये बातें, क्योंकि वायरल हो चुका है। वो जो फुटेज है वो वायरल हो चुका है और वो फुटेज जो भी सिख देख रहा है उसका खून खोल रहा है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, वरना ये जो है धार्मिक उन्माद का रूप लेगा तो प्रशासन जो है उसको संभाल नहीं पाएगा। आगे से ऐसी घटना ना किसी के साथ हो, उसका ध्यान रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।